वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। सुप्रभात बच्चों, मैं माहिन आज आप सभी को कक्षा 2 की किताब से हिंदी की पाठ 14 जो कि एक कहानी है नटखट चूहा पढ़ाने जा रही हूं। तो बच्चों, एक चूहा रहता है, वो बहुत ही नटखट रहता है, वो बहुत ही बदमाश रहता है। उसे जो है हमेशा कुछ ना कुछ शरारत सूझती हुई रहती थी। तो बारिश का जो मौसम था, बारिश की वजह से जो है चूहा को घर में रहना पड़ रहा था। तो एक दिन वो सोचा कि मैं जो है शहर जाऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं मैं शहर नहीं गया हूँ, तो वो जो है शहर जाने का सोचता है। तो वो अच्छे से तैयार वार हो करके शहर की ओर चल पड़ता है। तो जब वो शहर की ओर जाता है तो रास्ते में जो है चूहे को एक कपड़ा का दुकान दिखाई देता है। तो दुकानदार जो है दुकान खोल करके वो कपड़े दुकान के अंदर बैठने ही जाता है। तो चूहा भी जो है वो दुकान की तरफ जाता है, और जैसे ही बैठ जाता है दुकानदार अपने कपड़ों की दुकान में, तो चूहा जो है जाता है और वो दुकानदार से कहता है कि मुझे जो है एक कपड़े खरीदनी है। तो दुकानदार जो है पहले तो वो चूहा को देख करके बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जाओ यहाँ से। तो चूहा कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं जो है कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ। तो वो जो है हंसता है, हाहा करके हंसता है, और उससे कहता है, चूहे से कहता है कि भला कपड़े का चूहों को क्या काम, मैं तुम्हें कपड़ा नहीं बेचूँगा। तो चूहा उससे पूछता है कि तुम मुझे कपड़े नहीं दोगे, तो बोलता है नहीं मैं नहीं बेचूंगा। तो चूहा कहता है पक्की बात, तुम मुझे नहीं बेचोगे। दुकानदार कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। तो चूहा क्या करता है, वो एक गाना गाने लगता है। वो कहता है कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारे कपड़े कुतरूंगा। तो वो जो है ये गाना गाना चालू कर देता है। तो ये गाना सुन करके दुकानदार जो वो डर जाता है, और वो कहता है कि चूहा भाई क्यों तुम इतना ऐसे करोगे, मैं तुम्हें अभी रेशमी कपड़े काट करके देता हूँ। तो दुकानदार क्या करता है, वो रेशमी कपड़े की टुकड़े काट करके चूहा को दे देता है, और चूहा जो है वहाँ से उछलता कूदता हुआ चले जाता है। फिर जो है वो दूसरी बार, अब जो है चूहा कहाँ जा पहुँचता है, अब जो है वो दर्जी की दुकान में जा पहुँचता है। क्यों वो दर्जी की दुकान में जा पहुँचता है, क्योंकि वो जो रेशमी कपड़े वो दुकानदार से जो लिया था, उससे की टोपी सिलाने के लिए वो दर्जी के दुकान में जाता है। और जब वो दर्जी के दुकान में जाता है और वो दर्जी देखता है, तो वो जो है देख करके चूहा को बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि चूहा तुम्हारा यहाँ क्या काम है। वो उससे कहता है कि चूहों का यहाँ दर्जी की दुकान में क्या काम। तो चूहा कहता है कि मुझे तुमसे जो है टोपी सिलवानी है। तो दर्जी कहता है कि क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं चूहों की कपड़ों बैठ करके सीऊँगा। तो चूहा कहता है कि पक्की बात तुम मेरी कपड़ों को नहीं सिलोगे, तुम मेरी जो टोपी बना करके नहीं दोगे। तो दर्जी कहता है कि नहीं मैं तुम्हें टोपी बना करके नहीं दूंगा। तो चूहा जो है फिर से वो गाना गाने लगता है। वो गाता है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तुम्हारी कपड़े कुतरूँगा। तो ये सुन करके जो है दर्जी भी डर जाता है। तो वो कहता है कि चूहा भाई क्यों घबरा रहे हो, अभी मैं तुम्हारी टोपी सिल के दे देता हूँ। तो वो जो है बैठ करके उसकी टोपी को सिल करके उसे दे देता है, और टोपी पहन करके वो आईना में जब देखता है तो उसे लगता है कि टोपी जो है पूरी सफ़ेद रहती है और पूरी खाली टोपी रहती है। तो वो सोचता है कि अगर इसमें कुछ सितारा लगा दिया जाए तो एक जो राजा के जैसे ये टोपी लगने लगेगी। तो वो क्या करता है, दर्जी की दुकान से टोपी पहन करके उछलता कूदता हुआ जब जाता है तो रास्ते पर उसे एक दुकान दिखाई देता है। वो जो दुकान रहता है, जो लोग जो सितारा बेचते दुकान में, सितारे और नक्की गोटा सब जो बेचते हैं, वो चीज़ का वो दुकान रहता है। तो वो वहाँ जाता है और उससे दुकानदार से कहता है कि मुझे सितारे चाहिए टोपी पर लगाने के लिए। तो वो दुकानदार भी क्या करता है, वो सितारा का जो दुकान रहता है वो दुकानदार भी जो है मना कर देता है। बोलता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सितारे दूंगा, मैं तुम्हें नहीं देने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से। तो चूहा जो है फिर उससे पूछता है दोबारा कि क्या तुम मुझे सितारे नहीं दोगे। तो दुकानदार कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो चूहा कहता है पक्की बात। तो दुकानदार कहता है हाँ पक्की बात, मैं तुम्हें सितारे नहीं देने वाला। चूहा जो है फिर गाना गाने लगता है।
वो क्या गाना गाता है? अब वो गाता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तुम्हारे सितारे बिखरूंगा। तो मतलब जो है, इसका मतलब है कि रातों रात वो आएगा, चूहे जो है रात में आते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना, अपने साथ साथ पूरी सेना को उठा करके लेके आऊँगा, और तुम्हारी जो सितारे की जो दुकान है उसको मैं बिखर के रख दूँगा। तो ये सुन करके दुकानदार भी जो डर जाता है और वो कहता है कि चूहा भाई तुम घबरा क्यों रहे हो, अभी मैं तुम्हें सितारे ही नहीं दूंगा बल्कि उसे टाक कर भी मैं दूंगा। तो वो जो है सितारे जो है चूहा को टोपी में टाक करके दे देता है। अब वो सिर्फ टोपी को पहनकर चूहा जो है आईने में देखता है, खुद को वो राजा जैसे महसूस करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो पूरा महाराजा जैसे दिख रहा हूँ, अब जो है मुझे राजा के दरबार में जाना चाहिए। तो वो जो है राजा के दरबार की तरफ निकल पड़ता है। वो महल जा करके जब वो राजा के बगल में खड़े हो जाता है तो राजा जो उसे देख करके चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है उस चूहे को देख करके। तो चूहा जो है राजा से कहता है कि मैं इस टोपी में कैसे लग रहा हूँ। तो राजा कहता है कि तुम तो इस टोपी में बिल्कुल महाराजा जैसे लग रहे हो। तो चूहा कहता है ऐसी बात है, तो तुम मुझे अपनी गद्दी मुझे दे दो, मैं बैठूंगा उसमें। तो राजा कहता है कि गद्दी जो है महाराज के सिंहासन के लिए होता है, चूहों के लिए नहीं होता है। तो चूहा कहता है कि तो तुम मुझे गद्दी नहीं दोगे। तो राजा जो है अपनी बात पे अड़े रहता है, वो कहता है नहीं मैं तुम्हें अपनी गद्दी नहीं दूंगा। तो चूहा जो है फिर से उससे पूछता है कि पक्की बात तुम मुझे नहीं दोगे? तो राजा कहता है नहीं मैं तुम्हें कोई कीमत पे नहीं देने वाला। तो चूहा जो है फिर से गाना गाने लगता है। अब वो कौन सा गाना गाता है? अब वो गाता है रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तुम्हारे कान कुतरूँगा। अब जो है वो ये गाना गाता है। तो इस गाने को सुन करके राजा जो है काँप जाता है और वो डर जाता है। फिर से जो है वो सोचता है कि जब चूहा जो रातों रात आएगा और अपनी सेना लेकर के आएगा तो वो पूरा तबाही मचा करके रख देगा। फिर से चूहा जो है दोबारा फिर से ये गाता है गाना, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तुम्हारे कान कुतरूँगा। तो राजा कहता है चूहा भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें अभी अपनी गद्दी दे देता हूँ, लो बैठ जाओ। तो चूहा जो है उसमें सुबह से लेकर के रात तक बैठा हुआ रहता है और जब उसका दिल भर जाता है तो रात को वह गद्दी में से उठकर अपनी घर की तरफ चल जाता है और अपनी घर जा करके अपने दोस्तों को जो है वो कहानी सुनाता है, बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसने दुकान में जा करके कपड़ा ली, फिर कैसे उसने दर्जी से टोपी सिलवाया, फिर कैसे उसने महाराजा की जो ये रहती है सिंहासन जिसमें महाराज बैठते हैं उसमें कैसे उसने उसे गद्दी मिला बैठने के लिए, वो सारा कुछ कहानी अपने दोस्तों को बताता है और सभी उसकी जो कहानी जो है बहुत ही शौक से सुन करके सभी दोस्त जो है उसके बहुत ही खुश हो जाते हैं।